हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंग्लिश के महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये ऐसे वर्ड हैं जिनका हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं और दोस्तों वकैब के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बगैर समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड है आप लोगों के लिए यूजलेस। तो दोस्तों, यूजलेस मतलब निकम्मा या बेकार होता है, या फिर अनुपयोगी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेंशन। तो दोस्तों, इंटेंशन मतलब इरादा होता है। ठीक है दोस्तों, इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इरादा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एटीट्यूड। दोस्तों, एटीट्यूड मतलब रवैया या फिर दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेल्पफुल। तो दोस्तों, हेल्पफुल मतलब उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, हेल्पफुल मतलब उपयोगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों के लिए चैलेंज। तो दोस्तों, चैलेंज मीन्स चुनौती होता है। ठीक है, तो चैलेंज का मतलब क्या होता है? चुनौती। नेक्स्ट है मैजिशियन। दोस्तों, मैजिशियन मतलब जादूगर। ठीक है दोस्तों, मैजिशियन का मीनिंग क्या होता है? जादूगर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सर्वे, SURVEY, सर्वे। सर्वे मतलब दोस्तों सर्वेक्षण होता है। नेक्स्ट है स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब दोस्तों गली, है ना। स्ट्रीट मतलब क्या होता है? गली। नेक्स्ट है स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस मतलब तनाव होता है। स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? तनाव। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सोर्स, SOURC, सोर्स। सोर्स मतलब दोस्तों स्रोत होता है, और साथ ही साथ स्रोत का एक दूसरा अर्थ होता है साधन। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्रेट। तो दोस्तों, सेक्रेट मतलब गुप्त। सेक्रेट का मतलब क्या होता है? गुप्त या रहस्यमय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेलर। तो दोस्तों, सेलर मतलब विक्रेता होता है। ठीक है, तो जो बेचने का काम करते हैं उन्हीं को सेलर कहा जाता है। नेक्स्ट है एनी हाउ। तो दोस्तों, एनी हाउ मतलब जैसे भी, या फिर किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, है ना। नेक्स्ट है अटेंशन। तो दोस्तों, अटेंशन मतलब ध्यान देना, है ना। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। तो दोस्तों, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया, या फिर आप जवाब भी देना कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। तो दोस्तों, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार होता है। ठीक है, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, ये बहुत सा कॉमन सा वर्ड है। ब्यूटीफुल का मीनिंग दोस्तों सुंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउ। तो दोस्तों, अलाउ मतलब अनुमति देना। अलाउ मतलब क्या होता है? अनुमति देना, या फिर आज्ञा देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए बीई। तो दोस्तों, यहाँ पे ई हो जाएगा, BEGGING, बेगिंग। तो दोस्तों, बेगिंग मतलब भीख मांगना होता है, या बेगिंग का मतलब दोस्तों निवेदन करना, विनती करना, गिड़गिड़ाना, है ना, काफ़ी सेंस में चलता है ये। नेक्स्ट है आपका हेटेड। तो हेटेड मतलब घृणा करना या फिर नफरत करना होता है। ठीक है दोस्तों, हेटेड का मतलब क्या होता है? घृणा करना या नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड है डेयरिंग। तो डेयरिंग मतलब साहसिक होता है, है ना। डेयरिंग मतलब क्या होता है? साहसिक या हिम्मती होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइव। तो दोस्तों, ड्राइव मीन्स गाड़ी हाँकना होता है, या फिर कह सकते हैं ड्राइव मतलब सवारी भी करना होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम या मानवी, है ना, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं, तो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉलोनी, COLONY, कॉलोनी। तो दोस्तों, कॉलोनी का मतलब बस्ती या नगर होता है। ठीक है, कॉलोनी का मतलब क्या होता है? बस्ती या नगर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ब्रेड। तो दोस्तों, ब्रेड का हिंदी मीनिंग रोटी होता है। एक बहुत आसान सा है लेकिन कॉमन सा वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट है गुड्स। तो दोस्तों, गुड्स मतलब सामान या वस्तु भी होता है। ठीक है, गुड का मतलब क्या होता है? सामान या वस्तु होता है। नेक्स्ट है BITS, बिट्स। तो बिट्स मतलब दोस्तों टुकड़े, है ना, तो बिट्स मतलब क्या होते हैं? टुकड़े। नेक्स्ट है सरफेस। तो दोस्तों, सरफेस मतलब तल या सतह भी होता है। ठीक है, सरफेस में तल या सतह होता है। नेक्स्ट है नैरो। तो दोस्तों, नैरो मतलब दोस्तों संकीर्ण होता है। नैरो का मतलब क्या होता है? संकीर्ण या पतला भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एचिंग, SCHING, एचिंग, है ना। इसको तो एकिंग नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको एचिंग पढ़ेंगे। एचिंग का मतलब दर्द या कष्ट होता है। नेक्स्ट ब्रूम्स। तो दोस्तों, ब्रूम्स मतलब झाड़ू होता है। ठीक है, ब्रूम्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? झाड़ू। नेक्स्ट वर्ड है SLUM, स्लम। तो स्लम मतलब दोस्तों गंदी बस्ती, है ना, गंदी बस्तियाँ जो होती हैं उसे स्लम बोला जाता है। नेक्स्ट है ENOUGH, एनफ। तो दोस्तों, एनफ मतलब पर्याप्त होता है। ठीक है दोस्तों, एनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त या अधिक होता है। नेक्स्ट वर्ड है सरफेस। तो सरफेस मतलब दोस्तों तल या सतह,
चूँकि हम लोग पहले ही इसका अध्ययन कर चुके हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सरफेस का मतलब क्या होता है, तल या सतह होता है। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए रेफर्स। तो दोस्तों रेफर मतलब सूचित करता है ना, रेफर्स मतलब क्या होता है, सूचित करता है, अर्थात सूचित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल, ठीक है। तो जियोग्राफिकल का हिंदी मीनिंग भौगोलिक होता है, ठीक है। जियोग्राफिकल का मतलब क्या होता है, भौगोलिक, है ना। नेक्स्ट है कंपोजिशन। तो दोस्तों कंपोजिशन मतलब संरचना या बनावट होता है, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, संरचना या बनावट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए जो कि सच एज। तो दोस्तों सच एज का हिंदी मीनिंग जैसा कि, है ना। सच एज का मतलब क्या होता है, जैसा कि। नेक्स्ट है ए आई आर, एयर। तो दोस्तों एयर मतलब वायु होता है। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए एनिमल। तो दोस्तों एनिमल का मतलब जानवर होता है, पशु होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल। तो दोस्तों नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है। नेचुरल का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक या स्वाभाविक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जेड डबल ओ अर्थात जू। तो जू मतलब दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जैविक उद्यान या फिर चिड़ियाघर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टी ई आर एम, टर्म। तो दोस्तों टर्म का हिंदी मीनिंग शब्द होता है, टर्म का मतलब क्या होता है, शब्द। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए दोस्तों ए डबल पी एल आई ई डी, अप्लाइड। दोस्तों अप्लाइड मतलब लागू होता है ना। अप्लाई जैसे आप सुनेंगे तो अप्लाई मीन्स लागू होना आता है, तो जिस प्रकार अप्लाइड है तो लागू होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें समृद्ध जितने भी महत्वपूर्ण इंग्लिश के वर्ड थे जो दैनिक जीवन में आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, और दोस्तों कहीं ना कहीं इंग्लिश के वकैब के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण था, उसका दोस्तों हम लोगों ने बखूबी से अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।